मेरा नाम कुशल कुमार, यह है मारुति सुजुकी अर्टिगा का ZXi वेरिएंट सेकंड टॉप मॉडल रहने वाला है। मैंने आपको इस कार का BXi वेरिएंट दिखाई दिया था जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था क्योंकि इसमें आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट बर्क कराने कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है इसका BXi वेरिएंट, पर लेकिन जब बात आती है ऐसे फीचर्स की जिससे कार देखने में अच्छी लगती हो, जैसे अलॉय व्हील्स हो गए, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, और इनके अलावा भी काफी फीचर्स ऐसे होते हैं जिससे कार देखने में बढ़िया लगती है, तो फिर ये सब चीजें आपको ZXi वेरिएंट में मिल जाती है और वैल्यू फॉर मनी भी रहनी चाहिए। फिर कार 1,10,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है इसके BXi वेरिएंट और ZXi वेरिएंट में। फिर फीचर में क्या क्या डिफरेंस रहेगा वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे एक अपर मॉडल भी आता है जो कि एक ZXi प्लस वेरिएंट है, क्योंकि उसका टॉप मॉडल है वो एक्सपेंसिव है 70,000 रुपीज इस वेरिएंट से, और फीचर्स भी कुछ ऐसे ऑफर नहीं कर रहे आते हैं, इसलिए आप कोई ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं अर्टिगा का जिसमें आपको फीचर्स भी बढ़िया मिल जाए, बेसिक फीचर से थोड़ा ऊपर आप अपग्रेड करना चाहते हैं और वैल्यू फॉर मनी भी रहना चाहिए, तो आप इसके ZXi वेरिएंट को देख सकते हैं। एक एक करके सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं इस कार के, आपको क्या क्या ऑफर करे जाने वाले हैं इस कार में। इस कार का जो ZXi वेरिएंट है वो 1,090,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर मिल जाता है, और फिर अगर आपको CNG में चाहिए कार तो आपको 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, और ये CNG में ही है, और CNG का आप टॉप मॉडल भी कह सकते हैं क्योंकि ZXi प्लस वेरिएंट में आपको CNG नहीं मिलती है। तो चलिए स्वागत हूँ मैं इसका फ्रेंड फाइव से। फ्रेंड में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएगा, इंडिकेटर में रहेगा यहाँ पर बल्ब, और एक हेडलाइट से लेकर दूसरी हेडलाइट तक मिल जाएगी आपको क्रोम ग्रिल रहने वाली है इस कार में। सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, फुल लेंथ मिल जाते हैं आपको ZXi वेरिएंट में। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगेगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, आप देख सकते हैं देखने में काफी बढ़िया लगती है फ्रंट से देखने में। जो इस कार की साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो उसमें आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिस वजह से देखने में काफी बढ़िया लगती है कार साइड से देखने में। 15 इंच के इसमें आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, 85x65 15 इंच की प्रोफाइल रहेगी। और ये इस कार का ORM जो कि आपको बॉडी कलर का मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रहेंगे, इंडिकेटर भी आपको इस कार की ORM पर मिल जाएगा। ए पिलर हो गया बॉडी कलर का, CNG में रहने वाली का तो CNG का स्टिकर मिल जाएगा। ऊपर की साइड हो गया एंटेना, और बी पिलर रहेगा इस कार में ब्लैक कलर का। डोर हैंडल्स आपको क्रोम कलर के मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर बटन भी आपको को ड्राइवर साइड दिया जाता है। और ये इस कार का इंटीरियर डुअल कलर में रहने वाला, और यहाँ पर आपको वुडन फिनिश भी मिल जाती है जिस वजह से देखने में काफी बढ़िया लगता है इंटीरियर इस कार का। एक एक करके सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में दिए गए हैं। ये रहा बैक डोर, फ्यूल लिड हो गया इसके को ड्राइवर साइड, फिर ये कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, बैक से देखने में तो बिल्कुल गजब सी लगती है कार, और जब इसकी एलईडी टेल लाइट ऑन हो जाती है फिर तो बिल्कुल गजब लगती है। नाइट में बिल्कुल अच्छा रेस्पॉन्स आता है इसकी टेल लाइट का। ऊपर साइड हो गया इंडिकेटर स्पॉइलर, हाई एम एंड स्टॉप लैंप मिल जाएगा, रियर डिफोगर बोस्टर बाइपर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस कार में। CNG का स्टिकर हो गया यहाँ पर, और ये इसकी LED टेल लाइट, यहाँ पर आपको क्रोम लाइन मिल जाती है। सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, अर्टिगा की बैजिंग हो गई, 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपको, नीचे साइड हो गए रिफ्लेक्टर्स। अब चलिए मैं आपको इसका बूट दिखा दूँ फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार के बूट में, वैसे तो कितना बूट स्पेस रहता है। बूट तो काफी बढ़िया रहेगा अगर आप रियर सीट को यूज नहीं करते हैं, पर लेकिन वैसे भी ठीक ठाक बूट स्पेस रहेगा अगर आप रियर सीट को भी यूज करते हैं, वो कितने अच्छे से कवरिंग कर रखी है इसके बूट स्पेस की। वैसे मेरे को सर का 10 कार का एक्स्ट्रा लुक, जो फीचर्स आपको इस कार के अच्छे से मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे आपने देखा इसमें आपको फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, रियर डिफोगर बोस्टर वाइपर, मशीन एलॉय व्हील्स, कीलेस एंट्री विद पुश स्टार्ट बटन जैसे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा से मिल जाते हैं। जो मेन फीचर्स में डिफरेंस है उस कार के इंटीरियर में है, जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको वाले फीचर्स दिखा दूंगा आपको क्या क्या ऑफर करे गए हैं इस कार में। इस कार में आपको K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिल जाएगा 1500cc का, जो कि प्रोड्यूस करता है 101 BHP की पावर, 136 Nm का टोर। तो चलिए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा दूँ क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको इस कार के इंटीरियर में। और ये रहा इंटीरियर इस कार का, जैसा आपको बताया था देखने में काफी बढ़िया लगता है डुअल कलर में इंटीरियर। और ये ड्राइवर साइड डोर इस कार का, यहाँ पर आपको वुडन फिनिश मिल जाती है, सिल्वर फिनिश होगी यहाँ पर, डोर ओपनर क्रोम कलर का हो गया, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन मिल जाएगा लॉक अनलॉक के लिए हो गया, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है ORM, कुछ सारे कंट्रोल्स रहते हैं यहाँ पर, बटन बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस, स्पीकर बाहर से देखने में कुछ तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट हो गया फीचर और रिक्लाइन करने का, और फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए हो गया यहाँ पर, ट्रैक्शन ऑन का बटन CNG में शिफ्ट करने का। और ये रहा बैक डोर इस कार का, डोर ओपन हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, बटन बोर्ड स्पेस है, डॉक्यूमेंट के स्पेस, स्पीकर रियर सीट को टबल करने के लिए हो गया, रिक्लाइन करने के लिए स्लाइडिंग का आपको मिडिल सीट में मिल जाता है,
जिससे आप रियर सीट पे इजीली चले जाएंगे। तो वैसे आप देखते कुछ तरह का मिल जाएगा आपको इस कार का इंटीरियर, बीच कलर में रहने वाला है इंटीरियर कार का। आपको वुडन ग्रीन फिनिश भी दी जाएगी आपको इसके डैशबोर्ड पर, और डोर ट्रिम पर भी आपको इसके वुडन फिनिश दी जाएगी। फिर ओवरऑल कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। एक फीचर्स को हम देख लेते हैं, और ये रहा इस कार का स्टीयरिंग व्हील। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, सर्कुलर में आपको यहाँ पर क्रोम दिया जाएगा। स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल्स होगा, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इसे अपर वेरिएंट लेते हैं तो उसमें क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। 7 इंच का मिल जाएगा आपको उसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, जो कि देखने में कुछ इस तरह का लगता है। पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर। टच बटन दिए जाएंगे वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, म्यूट के लिए, पावर ऑन के लिए। यहाँ पर होगी आपका हजार्ड लाइट का बटन, वो एसी वेंट दी जाएंगे आपको यहाँ पर, लाइन्स दी जाएंगी यहाँ पर। यहाँ पर एसी वेंट नहीं है, वहां पर मिल जाएगा आपको ड्राइवर साइड का, और ये रहा ड्राइवर साइड का एसी वेंट। और यहाँ पर आपको ट्विटर दिए जाएंगे, यहाँ पर हो गया ट्विटर, एक वहां पर हो गया ट्विटर, और चार स्पीकर हो गए आपके जो चारों डोर में रहेंगे। और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी रहने वाली है इस कार में, जो कि दिखने में कुछ तरह की लगती है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हो गया, यूएसबी पोर्ट, थोड़ा सा स्पेस फिर हो गया यहाँ पर, दो का फोल्डर्स, और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार। कुछ इस तरह का गियर नोब लगता है इसका। उरेरा कार का हैंड ब्रेक, उरेरा कार का आर्म रेस्ट। कुछ दिन साइज का स्टोरेज मिल जाता है, काफी कम स्टोरेज रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, कितना स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार के ग्लव बॉक्स में। और इस कार का सनवाइजर वैनिटी मिरर में आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर दिया जाएगा सिर्फ। ओवरऑल किस तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, जैसे आप देख सकते हैं ये रहा क्वार्टर साइड का डोर, डोर ओपनर हो गया आपका क्रोम कलर का, ग्रैब हैंडल, पावर विंडो, बटर वगैरह स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस, और स्पीकर। और ये रही इस कार की फ्रंट सीट, फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, कुछ तरह की सीट्स रहने वाली हैं ये, इस पे सीट कवर लग रहे हैं जो कि एसेसरीज का पार्ट है। तो चलिए कुछ तरह करते हैं इस कार का फ्रंट सीट पर बैठकर, जो भी कुछ आपको मिल जाता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। और मैं आपको इस कार की मिड रूम में दिखा देता हूँ कितना स्पेस मिल जाएगा, और मैं आपको लास्ट रूम में भी दिखा दूंगा फिर कितना स्पेस आपको वहां पर दिया जाएगा। तो वैसे आप देखते हो कितना लेग रूम आपको इस कार में मिल जाएगा, लेग रूम और हेड रूम में आपको कोई भी कमी नहीं रहने वाली है इस कार में। और मिड रूम पे बैठकर कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, और ब्लोअर्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट होगा, और मिड में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाएंगे। और बैक में आपको यहाँ पर कप होल्डर भी मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया जाएगा। अगर आपकी हाइट कम है तो आप इजीली बैठ सकते हैं यहाँ पर, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट दिया जाएगा, कप होल्डर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, थोड़ा सा स्पेस हो गया। वैसे तो आपको पूरी फ्लैट सरफेस मिलने वाली है। तो विचार भी कुछ तरह का था इस कार का इंटीरियर, जो भी कुछ था इस कार के इंटीरियर वो मैंने आपको दिखा दिया है। विचार भी कुछ तरह का था इस कार का बॉक्स, जो भी फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर से मिल जाते हैं मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे कि आपने देखा इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ 2 ट्विटर्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे, जो कि आपको BXi वैन में नहीं मिलते हैं। स्पीकर तो हो ही गए, रियर डिफोगर वॉशर वाइपर हो गया, मशीन एलओवीज, ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर, कीलेस एंट्री, फ्रंट आर्मरेस्ट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, कुछ ऐसे फीचर्स आपको ZX7 में मिल जाते हैं। अगर आपके वाले फीचर्स बढ़ते लगते हैं 1,10,000 रुपीज के प्राइस में, तो आप ZX7 के साइड जा सकते हैं, वरना फिर BXi तो हो ही गया, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और टॉप सेलिंग वेरिएंट भी है मारुति सुजुकी अर्टिगा का। तो अगर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, किसी और कार का बोखना देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो प्रो देखने के लिए आपका धन्यवाद।